Hello students, myself Bhavna from Ashwamik Vidyalay Padi. And today I'm going to teach you how to make a cap. So here I have one example, you can see. So for that you need one origami paper. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर पेपर इन दिस डायरेक्शन. आपको अपने पेपर को ऐसे रखना है. देन आफ्टर यू हैव टू फोल्ड इट हाफ. तो ऊपर से आपको इसको नीचे के कॉर्नर तक ले जाना है और जॉइन करके फिर क्रीज लेनी है. सो दिस इज योर फर्स्ट फोल्ड. आपको क्या करना है, पेपर को हाफ फोल्ड करना है और अच्छे से क्रीज लेनी है, राइट. देन आफ्टर यू कैन सी देयर इज अ टू पॉइंट अपर साइड एंड वन पॉइंट लोअर साइड. सो पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर है उसको नीचे वाले कॉर्नर से टच करके फोल्ड करना है, लाइक दिस. देन आफ्टर सेकेंड कॉर्नर ऑल्सो फोल्ड इट डाउन साइड एंड टेक अ प्रॉपर क्रीज. सो इट्स वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट फोल्ड इट डाउन साइड, राइट. देन आफ्टर आपको जो दो पोर्शन दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को वन बाय वन अपर साइड फोल्ड करना है अगेन. सो ऐसे फोल्ड किया, देन आफ्टर दूसरे पोर्शन को भी फोल्ड करना है. ओके, अब हम इसको फोल्ड करेंगे आउटसाइड. तो आपको थोड़ा सा स्लैंट फोल्ड करना है, ऐसे थोड़ा सा पेपर आपको दिख रहा है बाहर, ऐसे फोल्ड करना है. बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा फोल्ड करना है. और ऐसे सिमिलरली दूसरी साइड भी आपको फोल्ड करना है, इजी. अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो पेपर दिख रहे हैं आपको. ओके, अब दोनों पोर्शन में से नीचे वाले जो पोर्शन है, जो पेज है, इसको आपको अंदर की साइड पॉकेट में डाल देना है. यहाँ पे पॉकेट बन रहा है. अब इस पेपर को हम डालेंगे, आप देख सकते हो ऐसे. तो पीछे वाले पोर्शन को हमने डाल दिया पॉकेट में और अब बचा ये पोर्शन. तो इसको हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे ऐसे. अब इसको और एक फोल्ड करना है अपर साइड, लाइक दिस. तो ये बन गई हमारी कैप, इजी. आपने क्या किया, जो पेपर बचा था उसको अपर साइड वन बाय वन पांच बार आपने फोल्ड किया, जैसे यहाँ से ये पोर्शन भी लॉक हो जाएगा ऐसे. तो देखो कैप बन गई रेडी. आपको एक और बार मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ. आपको थोड़ा थोड़ा एरिया ऐसे फोल्ड करना है. सो इट्स रेडी. अब ऐसी अगर आपको बड़ी कैप बनानी है, देन यू हैव टू टेक अ बिग पेपर. नाउ
हियर यू कैन सी वन फेस, ओके। तो मैंने सेलर का फेस ड्रॉ किया है। आप चाहो तो अपनी आर्ट बुक में, अपनी स्केच बुक में ऐसे फेस ड्रॉ करके फिर यहाँ पे कैप को पेस्ट कर सकते हो। देन यू कैन फिल कलर ऑल्सो। सो बच्चों, नाउ इट्स योर टर्न, यू ऑल्सो हैव टू मेक अ कैप एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।